माय प्लेट में आपका स्वागत है। मैं जगदीश और आपका स्वागत करता हूं। आजकल सर्दियों की सब्जियां बहुत ही पौष्टिक, अच्छी और गुणकारी होती है, खास तौर पे गांव में और पंजाब के गांव में, हरियाणा के गांव में, हर खेत में मूली, शलजम, पालक, मेथी, बथुआ का साग, चने का साग उगाया जाता है और गोभी, पत्ता गोभी की सब्जियां बनती हैं आजकल। बहुत इसमें सर्दी के मौसम में पौष्टिक होती हैं और हर घर में इस्तेमाल होती हैं। आज मैं आपको पंजाब की मशहूर लोकल वेजिटेबल सब्जी जो हम बनाते हैं, हम लोग पंजाब के गांव में बनती है शलजम, उसकी रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत इजी और बहुत आसान है। आप एक बार खाएंगे तो बार बार कहेंगे और हर घर में पंजाब में, अक्सर में पंजाब में जब क्या कहते हैं मटन यूज होता है, मटन बनाते हैं तो उस टाइम भी इसको शलगम को डाला जाता है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ शलगम का भरता बना के उसकी रेसिपी बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। आइए अब हम शलजम का भरता बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें शलजम डालने जा रहा हूं। जो करे क्यों ना करे मात ना करे प्यो, पंजाब में बहुत पुरानी कहावत है। माँ बाप तो जो करते हैं करते हैं, लेकिन जो घी करता है बच्चों की सेहत के लिए, ये पुरानी कहावत है बुजुर्गों की। अब मैं इसमें लहसुन डालने जा रहा हूं। नीचे वाला हिस्सा डाल दें, मैं इसके अंदर लाल मिर्च एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार, घट खाना तो घट खाओ, ज्यादा खाना तो ज्यादा खाओ, अपने हिसाब से नमक पाओ। थोड़ी देर मैं थोड़ा जा पानी डालने जा रहा हूं। ये पंजाब की भाषा बड़ी अलग है, पानी नू पानी कह जाता है। दो कप पानी डाला है मैंने, इसको 15 मिनट के लिए इसमें 4 से 5 सीटी के बीच में आएंगी। हमारे शलगम बॉयल होते हैं तब तक हम शलगम
बलगम के जो छिलके उतारे हैं उसका अचार बनाते हैं, आपको आज अचार खिलाएंगे, वो टेस्ट भी बहुत हेल्दी। अब इसमें तेल, आप चाहे तो इसको पका के भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो ये कश्मीरी मिर्च है क्योंकि हरी मिर्च डालती है इसलिए पहले ये कश्मीरी मिर्च रंग लाने के लिए ये भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, ये आपका शलगम के छिलके का अचार, बहुत पौष्टिक टेस्टी, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएं। शलगम भी हमारे होने वाले हैं, अब हमारे शलगम हो चुके हैं, अब इसको मैं मैश कर रहा हूं, अब इनको अच्छी तरह मैश कर देते हैं। इसी का नाम शलजम है, इस होता है हल्का मीठा, हल्का पीठा, बहुत वाह, क्या कलर आया है इसके, अब शलगम जो हमारे मैश हो चुके हैं, अब इसको लगाना है तड़का, पंजाब का तड़का, अंग अंग तड़का, देसी घी डालेंगे, कुछ नहीं होगा इसमें, सिर्फ जीरा डालना है, पर जीरा जब थोड़ा फड़क जाए, लाली पे आ जाए, उसके बाद इसमें शलगम डाल देंगे, शलजम में जितना घी पड़ेगा उतना टेस्ट आएगा, कुछ करो, लाल बटन जो है वो जरूर दबा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा जब शलजम डालने जा रहे हैं। लो जी, सारे शलगम तैयार हैं, पेंदू शलगम जो पंजाब दे ताजे तोड़ के लोग खेतों को लियाते हैं और बनाते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा घी और डालते हैं, क्योंकि तो जितना घी पड़ेगा उतना शलजम में कलर आए। अब ये शलजम तैयार हो चुकी है, अब इसके ऊपर क्रीम हो क्रीम, मलाई हो मलाई, ये अपने टेस्ट अनुसार एक चम्मच दो चम्मच, कम से कम दो चम्मच होनी चाहिए। वाह जी वाह, मेरे पंजाब की शलजम तैयार है।
अभी गए नहीं क्या चल रहे शलगम ला जाओ, शलगम लाओ, ये लहसुन हर जगह नहीं मिलता तो उसको ढूंढना पड़ता है। आप जाओ सामान लाओ बनाओ। नहीं दिया क्या यार, सब्सक्राइब करो, क्या बात है, मैं वेट में हुआ हूँ। बाजरे की रोटी मलाईदार मक्खन भाजी आया पंजाब के भाई सब्सक्राइब नहीं किया हाल तक, मैं वेट भी कर रहा हूँ। Bye.